मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को रुको जरा, सबर करो। फौजी जो गेम है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। और बेसिकली दोस्तों, ये रिलीज डेट से रिगार्डिंग है और गेम कैसा होने वाला है, गेम के मैकेनिज्म, गेम किस तरीके से पबजी कंप्लीट कर पाया कि नहीं, तो ये सारी बातें हमें लीक में पता चली है। तो इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताने वाला हूं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आप सभी के लिए। अगर दोस्तों आप जानना चाहते फौजी जो गेम होने वाला किस तरीके से होने वाला है, एक्चुअल में गेम होने वाला किस तरीके से होने वाला और किस तरीके से गेम वर्क करेगा, तो सारी बातें आपको लीक्स एंड रूमर्स इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको जानना है तो ये वीडियो दोस्तों स्टार्टिंग टू एंड तक देख लेना। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आरसी और आप देख रहे हैं आरसी गेमर। तो फौजी जो गेम है उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि गेम कैसा होने वाला है, क्या ये पबजी को कम्पीट करने के लिए आ रहा है, क्या ये भी बेटर ओवरऑल गेम होने वाला है। तो ये सब आपको पता चलने वाला और इसके रिलीज डेट से भी रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कब रिलीज डेट होने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि फौजी गेम कब अनाउंस हुआ था और किसके थ्रू अनाउंस हुआ था। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि दोस्तों फौजी जो गेम है 4 सितंबर का अनाउंस हुआ था, जिस दिन पबजी बैन हुआ था इंडिया के अंदर, और अक्षय कुमार ने इस गेम को अनाउंस किया था अपने ट्विटर अकाउंट पर। देन उसके बाद दोस्तों इस गेम के बारे में हमें पता चला कि जो फौजी गेम के डेवलपर है एनकोर गेम, उन्होंने शायद अनाउंस किया था कि ये गेम जो आएगा, जहाँ तक न्यूज़ आ रही थी कि दिवाली के टाइम में गेम रिलीज हो जाएगा इंडिया के अंदर। और वैसे दिवाली के टाइम में भी ये लॉन्च नहीं हुआ गेम। उसके बाद दोस्तों 30 नवंबर को हमें देखने मिलता है इसका प्ले रजिस्ट्रेशन प्ले स्टोर का। तो हमें प्ले स्टोर का लिंक देखने मिला यहाँ पर इनके ऑफिशियल एनकोर गेम के ट्विटर अकाउंट पे। तो इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर ट्वीट करके बताया। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोस्तों गेम कैसा होने वाला है, ये दोस्तों गेम बैटल रॉयल होने वाला है या फिर एक स्टोरी गेम होने वाला। तो अभी ये डाउट बहुत बड़ा डाउट है सबका। तो वैसे यहाँ पर एक न्यूज़ सामने आया कि जो ये गेम होने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गेम होने वाला एक्शन गेम होने वाला और ये बैटल रॉयल नहीं होने वाला स्टार्टिंग के टाइम में, ऐसा कहा जा सकता है। कि दोस्तों इसमें दोस्तों आपको देखने मिलेंगे, मतलब इस एपिसोड वाइज गेम देखने मिलेंगे। हर एक एपिसोड में एक मिशन आपको कंप्लीट करना होगा, इस तरीके से ये गेम होने वाला है। इनके डेवलपर की तरफ से कंफर्म कर दिया गया कि दोस्तों ये जो गेम होने वाला है बैटल रॉयल नहीं होने वाला है, और ये दोस्तों पबजी से कुछ भी लेना देना नहीं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट गेम होने वाला है। तो इससे तो कंफर्म हो जाता है कि दोस्तों ये जो गेम होने वाला है एक स्टोरी मोड गेम देखने मिलेगा, जिसमें दोस्तों हमें एपिसोड वाइज मतलब गेम देखने मिलेगा, मतलब एक एपिसोड में एक मिशन आपको देखने मिलेंगे जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आपको दोस्तों गेम पसंद आया तो आपको खरीदना पड़ेगा, आगे के एपिसोड खरीदने पड़ेंगे खेलने के लिए। तो इस तरीके से गेम होने वाला है। अगर दोस्तों फौजी में एक स्टोरी होने वाला, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गेम को खेलने के लिए, क्योंकि दोस्तों स्टोरी मोड गेम काफ़ी लोगों को पसंद आता है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में इसके अंदर बैटल रॉयल भी ऐड हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये फौजी गेम है जिसके अंदर मिलिट्री वाले लोग रहेंगे, तो ऑब्वियसली एक बैटल रॉयल भी इसे क्रिएट किया जा सकता है। कॉल ऑफ ड्यूटी आप दे सकते हैं उसी तरीके से, इसमें भी हो सकता है फ्यूचर में, क्या पता, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जहाँ तक स्टार्टिंग में अगर लॉन्च होगा तो ये दोस्तों एक स्टोरी गेम होने वाला है जिसके अंदर आपको मिशन कम्प्लीट करने होंगे। और गाइस लीक तो ये भी आ रहा है कि ये जो पहला जो एपिसोड होगा इसके अंदर जो स्टोरी मोड होगा वो गलवान वैली पे बेस्ड होगा, जिसमें हमें दोस्तों पता है कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर पर फाइट हुआ था। तो उसके पर ये जो पहला स्टोरी मोड गेम जो बेस्ड होगा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों हमें देखने मिले किस तरीके से फाइट हुआ था एक्चुअली में, और हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे इसके अंदर, इस गेम के थ्रू हम भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे किस तरीके से बॉर्डर फाइट होता है। तो हमें ये पहले एपिसोड में देखने मिलने वाला। और दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा लीक सामने आया, यहाँ पर देख सकते स्क्रीन पर आपको नहीं मिल रहा होगा, ये दोस्तों गेम का एनिमेशन कैसा होने वाला है, गेम के अंदर एक्चुअल में किस तरीके से मतलब होने वाले कैरेक्टर और उसकी जो एनिमेशन किस तरीके से देखने मिलने वाले। तो ये आपके स्क्रीन में जो चल रहा है वीडियो, ये ऑफिशियल तरीके से तो नहीं कह सकते, ये लीक आया है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये कितना मतलब रियल है कितना फेक है अब मुझे नहीं पता है, बस मेरा काम है दोस्तों आपको दिखाना, तो मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने मिलने वाला है। अब ये कितना रियल है कितना फेक है वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, एक्चुअल गेम आने के बाद पता चलेगा दोस्तों लीक कितना सही है, वो एक्चुअल गेम के आने के बाद ही पता चलने वाला है गाइस। तो अभी तो हम इसे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दोस्तों लीक आया और मुझे पता चला तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको देखने मिलने वाला, आप देख सकते हो हमारा कैरेक्टर है दोस्तों, ये भी फौजी का आउटफिट में देखने मिल रहा है। तो गाइस जो मैंने आपको लीक दिखाया, गेम प्ले दिखाया, वो सारे मैं कह नहीं सकता कि एक्चुअल है कि नहीं। तो अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिलीज डेट। तो अब रिलीज डेट के बारे में बात कर लेते हैं कब आने वाला फौजी की। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, जो गेम था दोस्तों 30 नवंबर
को आया था, जिस दिन गुरुपुरब था, और गुरुपुरब था 30 नवंबर को, तो उस दिन ये प्रीरजिस्ट्रेशन आया। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जो डेवलपर है एनकोर गेम, वो एक मतलब एक फेस्टिवल, एक किसी इंडियन फेस्टिवल से रिलेटेड ही डेट गेम को लॉन्च करना चाहते हैं। और इससे दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों जो अट्रैक्शन होगा ज़्यादा हो सकता है गेम के ऊपर। तो इसी दोस्तों किसी मतलब ओकेजनल या फिर फेस्टिवल के टाइम में इसे लॉन्च करने की सोची जा रही है। जैसे कि अब 30 नवंबर को देख लो गुरुपुरब आया था। अगर आपको दोस्तों गुरुपुरब के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इनका जो पहले जो सिख गुरु थे उनका जो सेलिब्रेशन किया जाता, मतलब एनिवर्सरी मनाया जाता है, और इसको बोलते हैं दोस्तों गुरुपुरब। ये एक फेस्टिवल होता है सिख के लोग के लिए, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो उस टाइम ये दोस्तों प्री रजिस्ट्रेशन के लिए प्ले स्टोर पर आ गया। तो गाइस आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या मतलब, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों यही तो बड़ी बात है, मतलब इसमें दोस्तों जो गेम एनकोर जो गेम कंपनी है वो एक फेस्टिवल के टाइम में ही लॉन्च करना चाहती गेम को। तो बीच में हमें सुनने मिला था कि दिवाली में आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन अभी दोस्तों दिसंबर का मंथ चला, तो अब यहाँ पर दोस्तों कुछ लीक सामने आ रही है, कुछ डेट सामने आ रहे हैं, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर दोस्तों लीक की माने तो यहाँ पर दोस्तों दो डेट आप सामने आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20, मैं आपको कैलेंडर में दिखा देता हूँ, 23 दिसंबर को दोस्तों किसान दिवस होता है, मतलब फार्मर डे होता है। तो उस दिन भी दोस्तों 4G जो गेम है उस दिन भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे दो डेट हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। इस टाइम अगर लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ऑडियंस भी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा डेट क्या हो सकता है। अब 25 दिसंबर को दोस्तों आप देख सकते हैं क्रिसमस है, तो क्रिसमस के टाइम में भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं कि 23 दिसंबर को ये गेम आ सकता है। कहा दोनों डेट में दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन होने वाला है, और देखते दोस्तों 50-50 चांसेस मुझे लग रहे हैं कि 23 या फिर 25 को आ सकता है दिसंबर के अंदर। तो गाइस यही लीक्स एंड रूमर्स जो कि मुझे बताना था आपको, और आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर करें, ताकि उन्हें पता चल सके 4G गेम कब आ रहा है, क्या रिलीज डेट होने वाला है। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और आपको दोस्तों इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।